इन पिक्चर्स को ध्यान से देखें और बताइए इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, क्या आप जान पाए कि कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है? तो चलिए हम बताते हैं। इनमें से ये वाला पिक्चर ऑड वन आउट है। इस हाथी को ध्यान से देखिए, इस बिल्ली को ध्यान से देखिए, इस शेर को ध्यान से देखिए, इस खरगोश को ध्यान से देखिए, अब इस घड़ी को ध्यान से देखिए, और अब ये बताइए इनमें से आपने कौन सा हाथी देखा था। आपने ये हाथी देखा था। और अब ये बताइए आपने इनमें से कौन सी बिल्ली देखी थी। आपने ये बिल्ली देखी थी। और अब ये बताइए आपने इनमें से कौन सा शेर देखा था। आपने ये शेर देखा था। और अब ये बताइए आपने कौन सा खरगोश देखा था। आपने ये खरगोश देखा था। और अब ये बताइए इनमें से आपने कौन सी घड़ी देखी थी। आपने इनमें से ये घड़ी देखी थी। दोस्तों, क्या आप इस मेमोरी टेस्ट में पास हुए? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। एक लड़की को अपनी फ्रेंड के घर जाना था, तभी वहां पर एक टैक्सी आई। उस लड़की ने टैक्सी को रुकाया, उसे एड्रेस बताया और उसमें चढ़ गई। टैक्सी में वो बोर हो रही थी तो उस लड़की ने उस आदमी से उसका नाम पूछा। उस लड़की को कुछ बोलता हुआ देख वह आदमी बोला, सॉरी मैम, मुझे सुनाई नहीं देता, मैं बचपन से बहरा हूँ। ये सुनने के बाद उस लड़की को उस आदमी पर दया आ गई। इतने में उस लड़की की फ्रेंड का घर आ गया और वो वहां उतर गई। टैक्सी वहां से चले जाने के बाद उस लड़की को समझ आ गया कि वो आदमी उससे झूठ बोल रहा था, वो बहरा था ही नहीं। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि उस लड़की को कैसे पता चला कि वो आदमी झूठ बोल रहा था? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि उस लड़की को कैसे पता चला कि वो टैक्सी वाला झूठ बोल रहा था, कि उसे सुनाई नहीं देता? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। लड़की थोड़ा आगे जाती है और सोचती है कि मैंने उसे जो एड्रेस बताया था, उसने उसी एड्रेस पर मुझे छोड़ा। इससे लड़की को पता चल जाता है कि वो आदमी उससे झूठ बोल रहा था। ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप सुन सकते हैं पर देख या छू नहीं सकते? और इसका जवाब है आवाज। इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, क्या आप जान पाए कि कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। इनमें से ये वाला पिक्चर ऑड वन आउट है। रिया ने 4 किड्स और एक डॉग अडॉप्ट किया था। उसे कुछ समय के लिए बाहर जाना था और वो मैट को जिम्मेदारी देकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आती है तो उसमें से एक बच्चा गायब रहता है, तो वो सबसे पूछताछ करती है। सुयश कहता है, मैं तो डॉग के साथ खेल रहा था
और मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैट कहती है। मैं फोन पे बात कर रही थी और मुझे भी कुछ नहीं पता है, स्वयं कहता है। मैं चेस खेल रहा था। इन सब की बातें सुनने के बाद वो तुरंत समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है और किसने एक बच्चे को छुपाया है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि रिया का बच्चा किसने छुपाया है और कौन झूठ बोल रहा है? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि रिया का बच्चा किसने छिपाया है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। रिया का बच्चा स्वयं ने छिपाया है, क्योंकि चेस तो दो लोग खेलते हैं, तो वो अकेला चेस कैसे खेल सकता है? इसका मतलब रिया का बच्चा स्वयं ने छिपाया है और वो ही झूठ बोल रहा है। इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो क्या आप जान पाए कि कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। इनमें से ये वाला पिक्चर ऑड वन आउट है। ऐसा क्या है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती है, फिर भी हम उसे नाप सकते हैं? इस पहेली का जवाब है तापमान। एक लेडी अपने होटल रूम में आराम कर रही थी, तभी उसके रूम का दरवाजा कोई नॉक करता है। लेडी बाहर आकर देखती है तो एक आदमी था। आदमी उस लेडी को कहता है, सॉरी, मुझे लगा ये मेरा रूम है। लेडी उस आदमी को देखकर तुरंत पुलिस को फोन लगाती है। क्यों, उस लेडी ने पुलिस को फोन क्यों लगाया, क्या आप बता सकते हैं? उस लेडी ने पुलिस को फोन लगाया क्योंकि होटल रूम में कोई नॉक करके अपने रूम में नहीं आता। उससे लेडी को समझ आया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो तुरंत पुलिस को फोन करती है। वो क्या है जो आप कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, मगर फिर भी वो आपके साथ होते हैं? इस पहेली का जवाब है फिंगरप्रिंट्स। इस पिक्चर को देखकर बताइए इन दोनों में से कौन मरेगा। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो क्या पता लगा पाए इन दोनों में से कौन मरेगा? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। अगर ए गोली नहीं चलाती है तो ए और बी दोनों ही बच जाएंगे, और अगर ए गोली चलाती है तो बी तो मर ही जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ ए भी नीचे गिरकर मर जाएगी। अगर बी ए की गोली चलाने से पहले अपनी जगह से हट जाती है तो ए नीचे गिर जाएगी और मर जाएगी। ये तो हुई हमारी राय, आप अपनी राय कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था, और इस सवाल का जवाब है कस्तूरबा गांधी। इस सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया है, उन सबका धन्यवाद, लेकिन हम सभी लोगों के नाम नहीं ले सकते हैं। उनमें से पहले छह लोगों के नाम हैं जयवर्धन सिंह, स्पोर्ट प्रोडक्शन, समुंदर, सानिका, वेदिका और गगन गोस्वामी। और आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे का सवाल है,
विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है?